उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसे देवभूमि नाम से जाना जाता है, एक ऐसा राज्य जो पहाड़ी जिंदगी को दर्शाते हुए हमें अतीत की उस घटना से रूबरू करवाता है जिसे आज हम हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 के समय उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग उत्तराखंड एक अलग राज्य बनकर सामने आया। उत्तर प्रदेश से अलग होने का प्रथम कारण बेहतर विकास और अच्छे प्रशासन से होना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के तरफ आंशिक था। दूसरी वजह, पहाड़ी लोगों की भाषा, रहन सहन और रिवाज उत्तर प्रदेश के लोगों से काफी भिन्न थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी लोगों ने एक अलग राज्य उत्तराखंड की मांग करी। वैसे 1897 में इस मांग की शुरुआत होने लगी, जो कि 1947 यानी भारत के आजाद के बाद आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में आज आपको उत्तराखंड डिवीजन का एक अभूतपूर्व इतिहास देखने को मिलेगा। 1815 तक ब्रिटिश साम्राज्य टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में बस चुका था। उसके बाद 1926 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। धीरे धीरे पहाड़ी जीवन की दास्तान को देखते हुए बद्रीदत्त पांडे जी ने हल्द्वानी में उत्तराखंड क्षेत्र की मांग के लिए आवाज उठाई, जिसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं और गढ़वाल दो अलग यूनिट की मांग रखी, और उस समय के उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार काउंसिल मेंबर इंदिरा सिंह नैयर ने भी सेपरेट डेवलपमेंट की बात करी थी। वैसे इस मांग के फेवर में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। 1947 की आजादी के बाद 1952 में उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति पीसी जोशी जी ने उत्तराखंड राज्य की मांग रखी, जो कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य उत्तराखंड की डिमांड करते हैं। और 1955 के आते आते उत्तराखंड को अब उत्तर प्रदेश से अलग करने के प्रस्ताव की नींव मजबूत होने लग गई थी। अब 1970 का समय आ चुका था और उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी स्वीकारा कि पहाड़ी जीवन के बेहतर विकास और प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को अलग करना होगा। इसी के फैसले के बाद 24 जुलाई 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि UKD ने मसूरी में जन्म लिया, और जून 1987 में कर्णप्रयाग में UKD पार्टी के नेताओं ने संघर्ष के लिए आह्वान दिया। उत्तराखंड क्रांति दल के बाद हिंसक घटनाएं होना शुरू हो जाती है और समय आ जाता है 1 सितंबर 1994 का, जब खटीमा के अंदर पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हो जाती है। और जैसे ही लाठीचार्ज की सूचना जब मसूरी में पहुंचती है, तो 2 सितंबर 1994 में खटीमा लाठीचार्ज का शांतिपूर्ण तरीके से मसूरी के झूलाघर के पास जुलूस निकाला जाता है। राज्य सरकार या पुलिस के द्वारा गोलीबारियां अब चलाई जाती है, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं और इन्हीं में 2 महिलाएं भी शहीद हो जाती हैं। अब मसूरी घटना के बाद उत्तराखंड के लोगों में आंशिक वेदना और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। इसी के चलते अब शिक्षकों द्वारा स्कूल बंद किए जाते हैं और कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यों का बहिष्कार भी किया जाता है, और धीरे धीरे लोग संसद घेराव के लिए दिल्ली की तरफ निकलते हैं। लेकिन किसको क्या पता था कि आगे चलकर संसद घेराव एक चुनौती बन जाएगा। बात करें 2 अक्टूबर 1994 की, जब संसद घेराव के लिए उत्तराखंड के लोग दिल्ली की तरफ निकलते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आंदोलनकारियों को रोका जाता है। जब रामपुर तिराहे में आंदोलनकारियों की बस रुकती है, तब पुलिसों के द्वारा महिलाओं के साथ बदसुलूकी और पुरुषों के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, जिसे आज हम मुजफ्फरपुर कांड या रामपुर कांड तिराहा नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद देहरादून में लोगों के द्वारा कर्फ्यू लगाना स्टार्ट हो गया था और लोगों के घायल और मरने की रिपोर्ट्स काफी आने लग गई थी। तब पहाड़ी लोगों के संघर्ष, बहादुरी और निरंतर बलिदानी को मध्य नजर रखते हुए PM SD देव गवाडा ने लाल किला में स्थित नए राज्य उत्तरांचल को अनाउंस किया, और 1998 में BJP गठबंधन ने उत्तरांचल बिल को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ भेजा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, और 1 अगस्त 2000 में लोकसभा ने इस बिल को पास किया, और 10 अगस्त 2000 में राज्यसभा ने भी इस बिल को एक्सेप्ट कर दिया था। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल 27वां राज्य बनकर भारत के मैप में उभर कर आया। दोस्तों, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए पहाड़ी लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया। धन्य है ऐसे लोगों के साहस और पराक्रम का, जिनके वजह से उत्तराखंड के रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता आज भी बरकरार है। और इसी संस्कृति और सभ्यता से हमें पहाड़ी होने के साथ साथ
एक अन्य राज्य का नागरिक होने का भी गर्व मिलता है।